जी हम अभी इस ट्राम पे आए, सामने जो ट्राम खड़ी इस पे पहुंचे हम एटॉमिक बम डोम पे। तो हम अभी फ़िलहाल पार्क के पास ही हैं, थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे उधर। अभी हम एंट्री कर रहे हैं पार्क की तरफ। तो अभी आगे सिग्नल बंद है, ये जो ही ग्रीन होगा तो फिर हम जाएंगे। बारिश हो रही है यहाँ पे, मौसम आज थोड़ा सा बेईमान हुआ है तो बारिश बारिश हो रही है, और अभी नहीं बल्कि 2-3 दिन तक होती रहेगी, तो इसलिए हमने अम्ब्रेला निकाल दिया है। और अभी अम्ब्रेला आया, ओहो बहुत तेज़ गाड़ी जा रही है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये उनकी एटॉमिक बॉम्ब आई थिंक ये रिमेन्स है। हाँ ये ग्राउंड है, और ये आपको नज़र आ रहा है इट इज़ उसी हालत में रखा है जिस हालत में ये है। तो अभी हम जाएंगे अंदर तो दिखा दे कि वहाँ पर क्या है अंदर। ये आपके सामने नज़र आ रहा है, नॉर्मल दिनों में इतना रश नहीं होता, लेकिन चूंकि ये अभी इनका गोल्डन वीक चल रहा है इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और हर स्टेशन पर रश है। अभी इन्होंने पेडेस्ट्रियन के लिए अभी स्टॉप बंद है, जो ये ग्रीन होता है तो फिर हम चलेंगे। अच्छा ये जो एटॉमिक बम डोम है ये 1915 में खोला गया था, काम तो बहुत पहले से शुरू था लेकिन 1915 में इन्होंने खोला है। और ये बनाया था एक आर्किटेक्ट था, उन्होंने मैं नाम भूल गया किस मुल्क का, लेकिन बहरहाल उस टाइम पर 1915 में ये बनाया था। तो नहीं फ्रेंच नहीं था, फ्रेंच नहीं था, किसी और कंट्री से था। तो फिर वो एक्चुअली ये एग्जीबिशन जो है ना, एग्जीबिशन हॉल थे किस्म का, जो यहाँ के प्रोडक्ट थे हिरोशिमा के, उसके लिए उसकी एग्जीबिशन होती थी और यहाँ सेल होती थी। तो ये आपको नज़र आ रहा है सामने, ये ZTZ हालत में, सेम हालत में रखा गया है जो था। हाँ ये आप देख रहे हैं सामने, ये एटॉमिक बम डाउन, ये इनका सराउंडिंग एरिया है। सराउंडिंग एरिया भी आपको दिखाते हैं, लेकिन ये देखें ये बिल्कुल एजिटेटेड सेम हालत में आपको नज़र आ रहा है एटॉमिक बम डोम। ये क्या लिखा हुआ है जनाब इसके ऊपर, जापानीज में लिखा हुआ है ये, तो बल्कि इंग्लिश भी लिखा हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, एक्चुअली वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हिरोशिमा पीस मेमोरियल गेन बाकू डोम, ये बाकी इंग्लिश में लिखा गया, और ये इन्होंने यहाँ पे 19 दिसंबर 7, 1996 में ये नसब किया था इसके ऊपर, ये जो भी है। तो आगे आपको नज़र आ रहा है, ये बताते हैं यहाँ पे, बल्कि मैंने सुना है ये जो एटॉमिक बम था ये बिल्कुल ये नहीं था कि ग्राउंड पे गिरा था, ये इससे ये जो डोम है इससे कुछ मतलब डिस्टेंस पे हवा में ये पड़ा था, उसकी डिस्ट्रक्शन हुई थी जिससे तकरीबन 1.5 लाख लोग यानी 150 लाख लोग यहाँ पे वो मारे गए थे, और बहुत से तो ज़ख्मी भी बहुत से लाखों में ही होंगे उस टाइम के, और जो बच्चे हैं लोग उस टाइम के जो बच्चे थे और अभी बुज़ुर्ग हैं, तो वो अक्सर यहाँ पे गाइड्स होती हैं, गाइड्स का काम करती हैं। तो आपको बता दें, चलें जी आगे की तरफ जाते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। फिलहाल एटॉमिक बम डोम तो मैं हमने आपको दिखा दिया, यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है हिरोशिमा में। ये नज़र आ रहा है आपको जनाब आगे, यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम भी हम जाएंगे और दिखाएंगे कि म्यूज़ियम में क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनकी बारिश हो रही है, और लेकिन चूँकि गोल्डन वीक है यहाँ पर तो रश बहुत ज़्यादा है। ये साथ में एक ये देखें जी, यहाँ पे थोड़ा सा और वाजे हो जाता है, साफ हो जाता है ये मंजर, ये सीन एटॉमिक बम का। देखिए चले जी आगे की तरफ जाते हैं, ये साथ में एक नहर भी बह रही है, एक नहर कह लें या छोटा सा दरिया के। ये देखिए जी ये स्ट्रक्चर है, एक्चुअली एज इट इज़ ही ये वो स्ट्रक्चर है जो एटॉमिक बम गिरा था, तो बाकी सबका तो सफाया हो गया था लेकिन ये रह गया था एज इट इज़ हालत में, सेम हालत में।
तो उन्होंने इसको एज इट इज ही रखा हुआ है जिस तरह था उस टाइम पर। दरमियान में इन्होंने कुछ फ्रेम वगैरह डाले हैं ताकि ये गिरे ना और इस तरह इंटैक्ट रहे, क्योंकि जारी बात है इतना अर्थ गुजरने के बाद तब वो फिर गिरी जाती कोई ना कोई। इन्होंने दरमियान में ऐसा रखा हुआ है क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज है तो इन्होंने फ्रेम वगैरह लगाए हुए ताकि गिरे ना, बिल्कुल ओरिजिनल हालत में रखा हुआ। ये जी आगे आपको नज़र आ रहा है एक नहर सी है साथ में से गुजर रही है, ये आगे आपको एक कौवा भी नज़र आ रहा है बैठा हुआ है, खुश आमदीद कह रहा है यहाँ पे लोगों को। यहाँ से थोड़ा सा खूबसूरत समंदर है, यहाँ से आपको दिखाते हैं ये कैसा है। इसके अंदर ये आगे वो वार्निंग भी लगी हुई है कि अलार्म सिस्टम इन प्लेस डू नॉट इंटर, कि आप इसमें दाखिल नहीं हो सकते हैं।